दोस्तों देखिए किस तरह से इसको इसको पलटाना पलटा पड़ता है। कितना मस्त बना है, इतना मस्त बना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बन रहा है मूली पत्ता का साग। इधर देखिए मूली है, इधर मूली हम इसको रखे हैं चावल में खाए हैं ना। आज हुआ है नया चूल्हा का उद्घाटन। इसमें दो चूल्हिया है, एगो इधर एगो इधर। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लिए आटा, देखिए यहाँ, और प्याज छील ली है और थोड़ा सा धनिया पत्ता है। आज हम बनाने वाले हैं छिलका रोटी, आटा का छिलका रोटी। क्या बनाएगी आज? आटा का छिलका रोटी। तो आज बनेगा आटा का छिलका रोटी। तो सारा चीज़ रेडी है, इधर नमक तेल भी सब रेडी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा लिए हैं और थोड़ा सा इसमें पानी डाल, प्याज वाज सब कुछ डाल, क्या क्या डालेगी बोलेगी तब ना। प्याज डाल दिए हम, धनिया पत्ता, लहसुन पत्ता और एक बड़ा साइज का प्याज डाले, और इसमें देंगे नमक स्वाद के अनुसार। ज़्यादा नमक नहीं देना। हल्दी पाउडर, हल्दी भी पड़ता है इसमें? हाँ, हल्का सा कलर आने के लिए बस। और कुछ नहीं, अब इसको पानी पे मिला दूँ इस तरीके से। पहले मिला लेंगे, उसके बाद पानी डाल के। ज़्यादा पानी नहीं होगा? नहीं, इसे ज़्यादा ही देना है। गर्म पानी देता है? नहीं, ठंडा पानी। हाँ, ठंडा पानी बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए हम लोग का आटा घुल के रेडी हो रहा है। हल्दी लगता और लगेगा थोड़ा सा? नहीं, ठीक नहीं, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा हल्दी और लगेगा। थोड़ा सा हल्दी और पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है, और हल्दी पड़ेगा। देख लो एक बार फिलहाल। इधर देखिए चूल्हा में आँच भी नहीं लग रहा है। इधर सब्जी बन रहा है तब तक। दोस्तों देखिए हम लोग का खाना पीना कहाँ पे बनता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, और इधर तब तक सब्जी बन रहा है, इधर आटा तैयार है। आज देखिए किस तरह से बनता है, क्या बोलते हैं, छिलका रोटी। छिलका रोटी सब्जी बन रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। हाँ, दिख रहा है कैसे बन रहा है। पहले इसमें थोड़ा सा दे देते हैं तेल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले सरसों का तेल डाल दी है। इसे इसको चारों तरफ, बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको, चितवा, चारों तरफ चारों तरफ डालो। ये कलर भी देखिए आ गया है, तेल गरम हो गया। तेल गरम है पूरा। इस पे हम डाल देते हैं बस थोड़ा छोटा छोटा। उल्टा में नहीं बनेगा ना। तो दोस्तों देखिए किस तरह से बन रहा है छिलका रोटी, आटा का छिलका रोटी। हम लोग कभी बनाए भी नहीं, कभी खाए भी नहीं, पहली बार खा रहे हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से इसको पलटाना पड़ता है। कितना मस्त बना है, ना मस्त बना है। इसमें सब्जी बन के रेडी है, ये बनेगा का फिर हम लोग को तुरंत खाएंगे। हम लोग चावल बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए किस तरह से बन रहा है, भूख भी लग गया है बहुत जोर से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बन रहा है छिलका रोटी, आराम आराम लगता है, आमलेट है, आमलेट जैसा बन रहा है। ज्यादा जलाओ मत। हो गया। तो दोस्तों देखिए एक पीस मेरा बन गया है, एक पीस बन गया है, अब दूसरा पीस बनेगा।
जल्ला 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 हल्का तेल डालो, ज़्यादा तेल डालने के बाद जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरा एक पीस बन गया है, दूसरा पीस बन रहा है। देखिए किस तरह से बन रहा है। आँच भी बहुत तेज है इसलिए जो है ना जल भी रहा है। नहीं नहीं जलेगा। देखिए किस तरह से बना है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप लोग एक बार बना। हमारा दूसरा पीस बन रहा है, देखिए एक पीस बन के हो गया रेडी। तो दोस्तों मेरा दूसरा पीस बन गया है, क्या को बन गया, दो पीस मेरा देखिए बन गया, और दो चार पीस होगा, सबको हो जाएगा दो दो पीस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा दूसरा पीस बन रहा है, तीसरा पीस, दो पीस बन गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया। तो दोस्तों एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करें, बहुत गर्म है। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई कीजिए इस तरह का छिलका रोटी, आटा का स्वादिष्ट लगता है, देखने में कैसा लगता है। और झारखंड में ज्यादातर इसको बनाते हैं लोग, बहुत मुलायम भी है। झारखंड में ज्यादा बनाते हैं, झारखंड में ज्यादा बनता है। हम लोग बिहार में है, खा के ट्राई करते हैं। बिहार में तो नहीं है, गरम गरम खा रहे हैं। नमक डाल लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये तीसरा बन रहा है, इतना अच्छा से तीसरा पीस बन रहा है, पलट जा रहा है इतना अच्छा से। चूल्हा पे बनाने में और भी अच्छा लगता है क्योंकि आग जो है चारों तरफ से लगता है, और ठंडी में तापने में भी मजा आता है। दोस्तों बन के हो गया रेडी, लास्ट पीस है। दोस्तों लास्ट पीस मेरा था, बन के हो गया रेडी, पर खाने में तो बहुत मस्त लग रहा है। हम खा के भी ट्राई कर लिए, एक बार फिर खा के ट्राई कर लेते हैं। अबे खाइए प्लेट में लीजिए ना, कपड़ा आप अंदर वाला लीजिए मम्मी, कपड़ा। तो दोस्तों मेरा सारा बन के हो गया रेडी, इसी को बोलते हैं नमक, हाँ कम है थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं देसी छिलका रोटी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।